हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज आप अपने डेबिट कार्ड के पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आप पहले अपने ICICI की वेबसाइट पे आ जाइए। आपका जो बैंक होगा, अगर आपका फैसिलिटी दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो ICICI की वेबसाइट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लॉगिन पेज पर आ जाना। पहले अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के आपको अपना लॉगिन करना है। तो यूज़र ID और पासवर्ड जो होगा आपको आपको मालूम ही होगा क्या है, वही आपको वहाँ पर एंटर करना है। और जो नया डेबिट कार्ड होगा जो आपको मिला होगा, आप उसको अपने हाथ में रेडी रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत इजी ऑप्शन है करने के लिए। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, इसका रिप्लाई मिल जाएगा 24 आवर्स के अंदर। आपको मालूम ही होगा हमारे चैनल बहुत फास्ट है रिप्लाई करने में। तो यहाँ पे आप देखिए, वेलकम बैक है आपका, वहाँ पे नाम लिखा होगा। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई कार्ड पिन। माई कार्ड पिन के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप माई कार्ड पिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपसे दो ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपके पास डेबिट कार्ड है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है। तो डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना, वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, डेबिट कार्ड नंबर आ जाएगा। जो आपका नया डेबिट कार्ड नंबर होगा उसके लास्ट के 2 या 4 नंबर वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको CVV नंबर आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे CVV, उसके बाद ही आपका एक नया पेज वहाँ पर खुलेगा, जहाँ पर आपको आपके डेबिट कार्ड की ग्रिड वैल्यू पूछा जाएगा। ग्रिड वैल्यू वो होता है जो पीछे लिखा होता है, ABCDEFGHIJK समथिंग समथिंग, वो ग्रिड वैल्यू होता है, वहाँ पर आपको एंटर करना होगा। आप ग्रिड वैल्यू जब एंटर करोगे, साथ ही साथ में आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको वहाँ पे एंटर करना है। OTP आप जैसे वहाँ पे आप एंटर कर दोगे तो वहाँ पे आपको एक नया पेज खुलेगा, जिसके अंदर आप अपना मन पसंदीदा कोई भी नंबर आप चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंडेटरी कि आपको जो नंबर दिया जाएगा आपको वही यूज़ करना है, आप कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर बड़ा। तो यहाँ पर अगर आपको उस OTP अगर नहीं भी आ रहा तो आप SMS IB OTP वहाँ पर आप साइड में देखिए लिखा हुआ है वहाँ पर, जो आप 5676766 के ऊपर आप भेज सकते हैं, तो आपको आपका OTP मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड पिन है, कंफर्म डेबिट कार्ड पिन है। तो आपको जो पिन आपको एंटर करना है, कोई भी 4 नंबर आप कर लीजिए, अल्फ़ाबेट्स नहीं लगते, नंबर लगते हैं सिर्फ। तो आप कोई भी 4 नंबर आप टाइप कीजिए, 1 2 3 4, कोई भी आप रैंडमली कुछ भी आप टाइप कीजिए, वहाँ पर आपका 4 नंबर आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। फिर आपको जनरेट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट नाउ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो डेबिट कार्ड का पिन है वो जनरेट हो चुका है। और जैसे ही अपना आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं पिन बेस्ड ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो उसके नॉर्मली 2 दिन के बाद ही आपको जूनो वाला जो डेबिट कार्ड है ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है वो। अगर किसी को कोई भी प्रकार का इशू आ रहा है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।